हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर ट्यूटोरियल सेशन ऑफ कॉन्सेप्ट बॉक्स क्लियर योर कॉन्सेप्ट विथ नेहा मैम। एंड इन दिस सेशन वी विल स्टडी अबाउट कॉम्प्लेक्स टिश्यू। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अबाउट द मेसमेटिक टिश्यू, सिंपल टिश्यू इन आवर प्रीवियस सेशन। यू मे चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक इज देयर। अगर आप उसको पढ़ेंगे तभी आपको ये सेशन ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर द वाटर कंडक्शन एंड द फूड कंडक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। Let's start our today's session. Complex tissue. Why they are called complex tissue? Complex tissues are known as complex tissue, but why? Because they are made up of more than one type of cells. The simple tissues are made up of a single type of cells, but these tissues are made up of different types of the cell. They are known as the heterogeneous too. Hetero means different, okay? And these tissues are present in pteridophytes, angiosperms and gymnosperms. They are not present in thallophytes and the bryophytes, okay? क्योंकि हम जानते हैं कि vascular system कहाँ से start होता है? Pteridophytes से start होता है, okay? And complex tissues are commonly known as xylem and phloem. And xylem and phloem are commonly known as the conductive tissue and the vascular system. Vascular system means the vessels, and vessels means pipe-like. So xylem and phloem are pipe-like. जिस तरह से हमारी bodies में क्या होता है, arteries and veins होते हैं, ठीक है, deoxygenated blood और oxygenated blood के लिए, like the same. प्लांट्स के पास दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन होता है जिसको वस्कुलर सिस्टम बोला जाता है, और द पाइप्स बोला जाता है। छोटी छोटी कैपलरीज मिलके एक बंडल्स बनाती है, ठीक है, जैसे छोटे छोटे तार मिलके एक बड़ा वाला तार बनाते हैं ना, ठीक है, जिससे बिजली जाती है। तो उसी तरह से जाइलम और फ्लोएम, हाँ, दो एक बड़ी सी पाइप है जिसके अंदर पतली पतली और बहुत सी पाइप्स हैं, और ये क्या काम करती हैं? ये काम करती हैं पानी ले जाने का और फूड ले जाने का। कैन यू इमेजिन कि इतने लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, 200 मीटर लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, नीचे से पानी कैसे ऊपर जाता होगा? पानी तो सिर्फ किसको मिल रहा है? रूट्स को मिल रहा है। ओनली रूट्स आर गेटिंग द वाटर एंड द मिनरल्स। एंड फूड कहाँ बन रहा है? सिर्फ लीव्स में बन रहा है। तो लीव्स को तो फूड मिल गया और रूट्स को वाटर मिल गया, एंड वॉट अबाउट द अदर पार्ट्स? उन तक पानी कैसे पहुँचेगा, उन तक फूड कैसे पहुँचेगा? तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए प्लांट्स के अंदर, जो कि उन फूड को पहुँचा सके, उन वाटर को एक एक पार्ट्स में पहुँचा सके। तो वो क्या है? जाइलम है और फ्लोएम है। अलग अलग ट्यूब बनी हुई है पानी के लिए और फूड के लिए। अगर ये एक ही ट्यूब होती तो क्या होता? वाटर और जो फूड है सब सुक्रोज और वाटर मिल जाते, और जो ये जो प्रोसेस है बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता, और मुझे नहीं लगता कि प्लांट सर्वाइव कर पाते, ओके? तो इसके लिए अलग अलग बना हुआ है सिस्टम, जिसको बोला जाता है जाइलम एंड द फ्लोएम। जाइलम मीन्स वुड और द हेड्रॉम, एंड फ्लोएम मीन्स बास्ट और द लैक्टोम, ओके? जाइलम पानी ले जाने का काम करता है, इसको जालिम भी बोलते हैं, ठीक है, मतलब मज़े के लिए अगर आपको इसको याद करना मज़े से, तो जालिम क्या करता है? जालिम पानी ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम जो है फूड, फॉर फ्लोएम, फॉर फूड, फ्लोएम फूड ले जाने का काम करता है। फ्लोएम होता है एक तरह से जोमैटो वाले की तरह, या पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय होते हैं ना, उनकी तरह होता है। तो एक जगह पे खाना बन रहा है, वो सब जगह धीरे धीरे करके पहुँचा रहा है। जाइलम इज़ यूनिडायरेक्शनल ऑनली। जाइलम सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब रूट से पानी सिर्फ ऊपर जाता है। अब ये पानी कैसे ऊपर जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल, क्योंकि फूड को नीचे भी पहुंचाना है, रूट तक भी पहुंचाना, और फिर फूड को ऊपर पार्ट में भी पहुंचाना, ओके? एंड जाइलम मीन्स वस्कुलर एंड कंडक्टिंग। जाइलम क्या है? वस्कुलर है और कंडक्टिंग है। एंड फ्लोएम इज ऑनली कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम के कंपोनेंट्स क्या क्या है? जाइलम मिलकर बना किन किन चीज़ों से है? जाइलम बना हुआ है 4 कंपोनेंट्स से, और फ्लोएम भी बना हुआ है 4 कंपोनेंट्स से, ओके? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ट्रैकीट्स, वेसल्स, ओके? जाइलम, इसको याद कैसे रखना है? इसको याद करने की ट्रिक है, टीवी पे डबल एक्स नाम की मूवी आ रही है, ट्रैकीट्स वेसल्स, टीवी पे डबल एक्स नाम की मूवी आ रही है, ट्रैकेट्स वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। और ये याद रखना है कि सारे जाइलम में जितने कंपोनेंट्स हैं ना, सब मरे हुए हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा है। पैरेन्काइमा जहाँ भी वर्ड देखे इसका मतलब दे आर लिविंग, क्योंकि उनको क्या करना है? पैरेन्काइमा मैंने पिछले वीडियो में समझाया था कि पैरेन्काइमा आर लाइक आवर पेरेंट्स। पैरेन्काइमा प्लांट में पेरेंट्स की तरह होता है, ये क्या करता है? सपोर्ट करता है और फूड को स्टोर करता है। तो पेरेंट क्या करते हैं? हमको फूड प्रोवाइड करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, ओके?
सो जाइलम पैरेन्काइमा आर लिविंग, और जितने हैं सब डेड होते हैं. क्यों डेड होते हैं, क्या कारण है कि ये डेड होते हैं? तो डेड होने का कारण ये है कि इतने लंबे लंबे जो प्लांट्स होते हैं उन तक पानी पहुँचाना. कैन यू इमेजिन कि नीचे से जब हम स्ट्रॉ से पीते हैं जूस तो कितना प्रेशर लगता है? अगर आपको इतनी लंबी स्ट्रॉ दे दी जाए पीने के लिए, ज़मीन पे रख दिया जाए ग्लास और लंबी से स्ट्रॉ दे दिया जाए, तो कितना आपको उसको जूस को खींचने में कितनी मेहनत लगेगी? तो आप इमेजिन कीजिए कि प्लांट्स को कितनी मेहनत लगती होगी उतने 200 मीटर 100 मीटर 50 मीटर तक के प्लांट्स को एकदम नीचे रूट से पानी लाने में. उसमें पानी कितना कम होता है, तो उस पानी को बूंद बूंद करके ऊपर तक पहुँचाने में इतनी मेहनत लगती होगी. तो उसके लिए क्या करना होता है ना, कि उसके जितने सेल्स होते हैं उनको मरना होता है. अगर वो नहीं मरेंगे तो इतना कठिन काम अंदर से मर जाता है ना आदमी. जब आदमी बहुत ज़्यादा हार्ड काम करता है तो फिर अंदर से मर जाता है, तो अंदर से उसकी जितनी भावनाएं होती है ना वो निकल जाती, इमोशंस निकल जाते हैं. तो वैसे ही जाइलम की जो सेल्स होते हैं उसके अंदर से उनको अपने न्यूक्लियस को निकाल के फेंक देना होता है, और बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स को निकाल के फेंक देना होता है, ताकि वो पूरा एक एम्प्टी जो है ना अंदर से पूरा खाली हो जाए, एम्प्टी वेसल्स बन जाए, एम्प्टी पाइप बन जाए, और उसकी दीवारें मजबूत हो जाए, ताकि कितना भी प्रेशर हो वो अगल बगल से टूटे ना, रप्चर नहीं. ओके, तो सारे क्या होते हैं, डेड होते हैं. जाइलम पैरेन्काइमा सिर्फ लिविंग होता है क्योंकि उसको वाटर को स्टोर करके रखना होता है और रेडियल कंडक्शन करना होता है. ओके, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. दे ट्रांसपोर्ट, फंक्शन क्या है जाइलम का, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स. वाटर मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से, फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. ओके, दे आर यूनिडायरेक्शनल. फ्लोएम, फ्लोएम इज नोन एज द बास्ट एंड लैप्टोम ऑल्सो, दे आर कंडक्टिंग टिश्यू. कॉम्पोनेंट्स क्या है, इसके भी चार है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स. इसमें सारे लिविंग होते हैं क्योंकि इनको वैसा कठिन काम करना नहीं है, तो सारे अपने मास्टर सेल्स के साथ होते हैं आज़ादी से, ठीक है, रहते हैं. ऊपर नीचे पानी मतलब फूड भेजना है, बगल में फूड भेजना है, तो इनको ज़्यादा मरने की ज़रूरत नहीं है. इनमें एक ही जो मरा हुआ होता है दैट इज़ द फ्लोएम फाइबर्स. ओके, तो जो फ्लोएम फाइबर्स का सबसे अच्छा एग्जांपल है जूट का. जूट जो होते हैं वो साइड में क्या होते हैं, ठीक है, फ्लोएम के फाइबर्स होते हैं, उनको हटा लिया जाता है और फिर उनसे रोप वगैरह बना लिया जाता है, और अंदर जो है पूरा क्या होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा सीव ट्यूब ये सब प्रेजेंट होते हैं. ओके, और ये जो हम जो बना रहे हैं लकड़ी के जो भी सामान बना रहे हैं वो क्या है, जाइलम है, ठीक है. जो लकड़ी जो कट के आता है जिससे हम लकड़ी के फर्नीचर्स होम वगैरह बनाते हैं वो क्या है, जाइलम है. ट्रांसपोर्ट, इनका फंक्शन क्या है, देयर फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड, हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, एंड इट इज बाई डायरेक्शनल. नॉट ओनली फूड, दे ऑल्सो ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, अमाइनो एसिड्स, ओके, एंड दे आर बाई डायरेक्शनल, नीचे भी और ऊपर भी ट्रांसफर करते हैं. नेक्स्ट, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट जाइलम इन मोर डिटेल. जाइलम, द वर्ड जाइलम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जाइलॉन. किससे आया है, ग्रीक वर्ड Xylon, which means wood, and it is introduced by whom? It is introduced by Carl Nageli. Carl Nageli in 1858. याद रखना है कि Carl Nageli ने ही xylem दिया था term, phloem दिया था, and meristematic term भी जो Carl Nageli ने ही दिया था, and also known as hedron. Xylem is also known as hedron. Features. It conducts water and minerals from root to other parts of the plant. It gives mechanical support to the plant, and it also provides the radial conduction due to the presence of the xylem parenchyma. It is of two types, primary and secondary. On the basis of the origin of the xylem, it is of two types, primary xylem and the secondary xylem. Okay, primary xylem originates from the procambium and secondary xylem originates from the vascular cambium. Procambium is again of two types, divided into two category, that is protoxylem and the metaxylem. Which two category? Protoxylem and metaxylem. Proto means early and meta means after. So the xylem produced in early stage, that is known as protoxylem, and the xylem produced in later stage, that is known as the metaxylem. Components, we already discussed, tracheids, vessels, fibers, and xylem parenchyma. Mostly of them are dead, and only xylem parenchyma is living. So, बच्चों को सबसे ज्यादा confusion यही होता है exam time में, वो भूल जाते हैं कि xylem के mostly part dead थे या phloem के mostly part dead थे. तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि फ्लोएम मीन्स क्या हो गया, फलना फूलना. तो जो फलेगा फूलेगा
वो क्या होगा, वो जिंदा होगा ना। और जाइलम क्या है, जालिम है। जाइलम को कैसे याद रखे कि जालिम है, और जालिम क्या करता है, मारता है और खुद भी अंदर अंदर मरता है। तो जालिम जो होगा वो डेड होगा, इट मीन्स जाइलम जो होगा वो डेड होगा, एंड फ्लोएम विल बी द लिविंग। क्यों डेड होंगे, क्योंकि इनको वाटर जमीन से लेके ऊपर तक ले जाना, इतना मेहनत वाला काम दिया है तो इंसान तो अंदर से मर ही जाएगा ना, तो इसलिए ये क्या है, डेड है। ट्रैकिड्स वेसल फाइबर्स आर डेड, ओनली पैरेन्काइमा इज लिविंग, क्योंकि पैरेन्काइमा क्या है, पैरेंट। पैरेन्काइमा आर लाइक पेरेंट्स, दे गिव अस सपोर्ट एंड फूड। तो उसी तरह से जाइलम पैरेन्काइमा क्या दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है और क्या कर रहा है, फूड देने का काम, सॉरी वाटर देने का काम कर रहा है, वाटर स्टोर करने का काम कर रहा है। देन लेट्स स्टडी ऑल द कंपोनेंट्स इन मोर डिटेल। ट्रैकेट्स, ट्रैकेट्स प्रिमिटिव होंगे, यूनिसेलुलर, नैरो ल्यूमेन होगा, ये सबसे पहले आए थे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, इट इज प्रिमिटिव। यूनिसेलुलर होंगे, दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। नैरो ल्यूमेन होगा, बट One point should be noted that इनका lumen उतना भी narrow नहीं होगा जितना कि xylem fiber का होता है। Xylem fiber का lumen इससे भी ज्यादा narrow होगा, okay? ये है trachids का lumen and ये है xylem fiber का lumen, एकदम छोटा, ठीक है, और एकदम narrow हो जाता है। Border pits, we know that three types of pits are present, that is simple pits, border pits and the scalary ferrous pit. Simple pits ये यहाँ present है, simple होते हैं। Border मतलब कि ये हो गया सिंपल पिट, और बॉर्डर मतलब पिट्स के चारों ओर अगर बाउंड्री प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द बॉर्डर पिट्स। और स्कैलिफेरस पिट्स कौन से होते हैं, वो जो टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो जो इलांगेटेड पिट्स होते हैं, ओवल शेप के जो पिट्स होते हैं, दैट आर नोन एज द स्कैलरी फेरस पिट्स। इनको क्या बोला जाता है, स्कैलरी फेरस पिट्स, ओके। इट इज प्रेजेंट इन टेरिडोफाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू में आ सकता है ये। और ये हो गया बॉर्डर, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल से कवर्ड है, बॉर्डर्ड है, दैट्स व्हाई इट इज बॉर्डर पिट्स एंड इट इज सिंपल पिट्स, सिंपल पिट्स, ओके। थ्री टाइप्स ऑफ पिट्स आर देयर, दे आर डेड एंड लिग्निफाइड। ट्रैकेट्स क्या होते हैं, डेड होते हैं और लिग्निफाइड होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिपोजिशन ऑफ द लिग्निन अराउंड देयर, दे आर ऑफ फोर टाइप्स, ओके, एन्युलर, रेटिकुलेट एंड स्पाइरल, एंड ओके, एंड लैक, दे लैक प्रोटोप्लाज्म, इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होता है। डेड है तो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, अदर ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे इनके अंदर। एंड देयर इज अ नैरो सेप्टम बिटवीन द टू ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स जो होते हैं दो इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, अगर ये एक ट्रैकेट ऐसे प्रेजेंट है तो दूसरा ट्रैकेट इस तरह से इलांगेटेड फॉर्म में इस तरह से प्रेजेंट होगा, एंड देयर विल बी अ सेप्टम बिटवीन टू ट्रैकेट्स, ओके। तो पानी इसमें किस तरह से जाता है, थ्रू दिस साइड एंड थ्रू द पिट्स ऑल्सो। Vessels, this is the diagram of pits and this is trachets and this is the diagram of the vessel. ये है vessel, okay. Now, vessels are advanced conducting element. Multicellular lumen is wider than trachets. And बापरे इतना मिर्च वो कर दिया। Vessels are advanced conducting element. मल्टीसेलुलर होते हैं, ल्यूमेन इसका वाइडर होगा ट्रैकेट से, सेप्टम नहीं प्रेजेंट होगा, परफोरेटेड एंड वॉल्स होंगे, सिंपल पिट्स प्रेजेंट होंगे एंड ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म। जाइलम वेसल जो है जिम्नोस्पर्म को नहीं मिला है। क्या है कि जब हम पूरा फाइल पढ़ते हैं, एल्गे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके गॉड ने इनको एक एक चीजें दी है, पहले अनडिफरेंशिएटेड, देन डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, देन वैस्कुलर सिस्टम, वैस्कुलर सिस्टम में भी सारी चीजें नहीं मिली, ठीक है, फिर फ्लावरिंग, नॉन फ्लावरिंग, देन फ्लावरिंग। तो जो जिम्नोस्पर्म है वो किसी चीज में तो कम होगा, वैस्कुलर सिस्टम तो है उसके पास, बट दे लैक द वेसल्स, ओके। तो जिम्नोस्पर्म के पास वेसल्स नहीं होंगे, और जिम्नोस्पर्म के पास आगे भी बहुत सारी चीजें जो नहीं होती वो हम आगे पढ़ेंगे। ओनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म बट सम जिम्नोस्पर्म, लेकिन कुछ जिम्नोस्पर्म को ये दिया हुआ है, ठीक है, वो जिम्नोस्पर्म एक्सेप्शन में आते हैं, लाइक द नेटम। एंड हियर इट इज द डायग्राम ऑफ द जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स। फ्लोएम में सीप ट्यूब हो जाएंगे जिनमें सी प्लेट्स पाए जाते हैं, एंड जाइलम वेसल का। जाइलम फाइबर, फाइबर की बात है तो वो ऑलमोस्ट डेड ही होगा, फाइलम डेड पार्ट ऑफ जाइलम, एंड जाइलम फाइबर इज ऑफ टू टाइप, ट्रैकेट फाइबर एंड द लिब्रीफॉर्म फाइबर। What does it do? इसका function है, it provides the strength to the trachets and vessel. ये vessel और trachets के बीच में present होता है एक pipe की तरह, और उनको क्या करता है, support करता है, उनको strength देता है। They lost protoplasm on maturity and found between trachets and vessel, cell wall are lignified. जितने जो इसके cell wall होंगे वो क्या होंगे, lignified होंगे, and they are too plastic.
जाइलम पैरेन्काइमा। अब सारे पार्ट्स मरे हैं तो कुछ पार्ट तो लिविंग होना चाहिए, कोई एक पार्ट तो लिविंग होना चाहिए, जो कि अगर बाकी सारे सेल में डैमेज आ जाए, कुछ रप्चर हो जाए, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, तो उस समय सेल क्या कर सके, अपने आप को रिपेयर कर सके। सो जाइलम पैरेन्काइमा इज द ओनली लिविंग सेल ऑफ जाइलम। इट स्टोर्स वाटर, स्टार्च, फैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वाटर स्कैरसिटी। हु विल प्रोवाइड द वाटर टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट? द जाइलम पैरेन्काइमा विल प्रोवाइड द वाटर टू द प्लांट एंड इट परफॉर्म रेडियल कंडक्शन टू। And walls contain pits, help in short distance transportation. During water scarcity and curse, these self help to prevent damage to vascular tissue. ये क्या करते हैं? Damage से बचाते हैं. How? Because they are alive and they have nucleus and protoplast. Next, let's talk about the phloem. Phloem. The word phloem comes from the Greek word phloes, which means bark. Which means bark. It doesn't mean that it is a completely bark. Bark is dead. It is the innermost layer of the bark. And what does it do? Iska function kya hai? Its function is to transfer food from the leaf. Leaf is known as the kitchen of the plant. From the leaf to the other parts of the plant where the food is needed. And this process is known as the translocation. What are the components of the phloem? Kisse milkar bana hua? Companion cell, sieve tube, phloem fiber and phloem parenchyma. All parts are living. Only one part is dead, that is fiber. Two types, primary and secondary. Like the xylem, it is also of two types, primary and secondary. If the xylem originates from the procambium, then it is known as the primary phloem. And if the phloem originates from the procambium, then it is known as the primary phloem. And if the phloem originates from the vascular cambium, it is known as the secondary phloem. First component is sieve element. It is discovered by Hartig. Very important question. They are living thin cell wall, mature sieve cells lack nucleus. Living होते हैं, इनके cell wall काफी कम होते हैं, लेकिन जब ये mature होते हैं, then they remove their master. अपने master को भगा देते हैं, और जैसे ही master को अलग करते हैं, ये क्या हो जाते हैं, ये tough हो जाते हैं, ठीक है, और ये side में present हो जाते हैं. And sieve जो elements होते हैं, इनको single form में क्या बोला जाता है, sieve cell. ये sieve tube है, sorry, sieve tube जो present होती है, sieve tube में जो एक एक सिंगल सेल को क्या बोला जाता है, सीव सेल और सीव एलिमेंट. ठीक है, सीव सेल बोला जाएगा या फिर सीव एलिमेंट बोला जाएगा. और ये टोटली क्या है, ये कंबाइनली ये क्या है, एक सीव ट्यूब है. वन सीव ट्यूब इज कनेक्टेड टू द अनदर सीव ट्यूब बाय व्हाट, बाय अ सीव प्लेट. यहां पे सीव प्लेट प्रेजेंट होती है, एक सीव ट्यूब दूसरे सीव ट्यूब से कनेक्टेड होता है बाई द प्रेजेंस ऑफ द सीव प्लेट. ओके, सीव का मतलब क्या होता है, छलनी. तो छलनी की तरह ये प्रेजेंट होता है. सीव ट्यूब एलिमेंट एट द एंड ऑफ देयर वॉल, कैलस पैड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. व्हाट डज इट मीन कि कैलस पैड क्या होता है, एक्चुअली व्हाट हैपेंड एट द टाइम ऑफ द ऑटम सीजन. ठीक है, यहाँ जो सीव प्लेट है, सीव प्लेट के चारों ओर कैलस पैड फॉर्मेशन हो जाता है. पैड वर्ड आते ही क्या समझ में आता है कि प्रोटेक्शन देता होगा, स्पंजी लेयर होगा जो कि प्रोटेक्शन देता होगा. ओके, तो ये क्या करता है, कैलस पैड प्रोटेक्शन कवरिंग फॉर्म कर देता है. एक केमिकल बनता है दैट इज नोन एज कैलस बीटा 1,3 ग्लूकैन. ठीक है, कैलस बीटा 1,3 ग्लूकैन नाम का एक केमिकल बनता है एंड दिस केमिकल गेट डिपोजिटेड अराउंड द रेडियस ऑफ द पिट एंड इट हेल्प्स इट ड्यूरिंग इट हेल्प्स एंड इट प्रोटेक्ट्स ड्यूरिंग द वाटर स्कैरसिटी एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एनी इन्फेक्शन. ठीक है, तो ये इसको प्रोटेक्ट करता है कैलस पैड. एंड सीव ट्यूब एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, जाइलम वेसल एब्सेंट था एंड सीव ट्यूब भी एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में. वो जिम्नोस्पर्म में अगर प्रेजेंट है तो वो इररेगुलर वे में प्रेजेंट होता है. जैसे सीव ट्यूब एंजियोस्पर्म में सीधा सीधा प्रेजेंट है तो अच्छे से पानी एक मतलब एक मैनर में जा रहा है, बट सीव ट्यूब जो जिम्नोस्पर्म में इररेगुलर वे में अगर किसी में प्रेजेंट है तो इररेगुलर वे में प्रेजेंट होता है, तो पानी जो है ना जिगजैग मोशन में ऊपर जाता है. ओके, कंपेनियन सेल भी एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में. अभी कंपेनियन सेल क्या है, कंपेनियन सेल एज द नेम सो कंपेनियन, इट मींस इट गिव कंपनी टू सम अदर. तो ये किसको कंपनी देता है, इट गिव्स कंपनी टू द सीव ट्यूब. ये सीव ट्यूब के बगल में अटैच्ड होता है और उसको क्या करता है, कंपनी देता है. इसका ज्यादा कुछ काम नहीं है, इसके पास न्यूक्लियस होते हैं. ये सिर्फ क्या करता है कि जो भी फूड यहां बना है, हाँ लीफ है, यहां मान लीजिए लीफ है और यहाँ क्या बन गया है, फूड. ठीक है, तो फूड डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, फूड पहले जाएगा कंपेनियन के पास एंड कंपेनियन सेल से फिर आएगा सीव ट्यूब में. ओके, देन वो ट्रांसफर होगा वेयर एवर द फूड इज नीडेड. थिन सेल, थिन वॉल्ड होते हैं, लिविंग होता है, लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ओनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म.
Safe tube and companion both originated from a single mother cell. So that's why they are known as the sister cell. ये भी क्वेश्चन आ जाता है सिस्टर सेल किसको बोलते हैं तो सिस्टर सेल कौन है सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर नोन एज द सिस्टर सेल्स Why? Because they are originated from a single mother cell and gives company to the sieve tube. It gives company to the sieve tube. Phloem fiber, as the name so fiber, fiber means dead hoga. ठीक है thread like structure, maybe living or non-living. Best example is jute fiber and the hemp. जो jute fiber हम देखते हैं उसका जो ऊपर का जो part होता है क्या किया जाता है jute fiber को पानी में डाल दिया जाता है और फिर उसके बाद after the 10 days उसके जो फाइबर जो होते हैं जो बाहर का जो पार्ट होता है उसको हटा लिया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है रूप बनाया रोप बनाया जाता है ठीक है और बैग्स वगैरह बनाए जाते हैं सो दे आर लिविंग नॉन लिविंग लिविंग फाइबर्स स्टोर फूड व्हाइल नॉन लिविंग प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑल्सो नोन एज द स्किन फाइबर इसको स्किन फाइबर भी बोला जाता है स्पेशली इन केस ऑफ द जूट फाइबर ठीक है ऊपर में एक स्किन की तरह प्रेजेंट होता है ये फाइबर एंड फ्लोएम स्क्लेरेनकाइमा भी बोला जाता है स्क्लेरेनकाइमा मीन्स डेड तो फ्लोएम का जो डेड पार्ट है That is the phloem sclerenchyma, that is phloem fiber. ये narrow होते हैं elongated होते हैं they lose their protoplasm and form secondary wall. We know that primary and secondary wall is present in a plant cell. ठीक है then after plasma membrane is present. ये primary wall होता है ठीक है then secondary wall होते हैं and then क्या present होते हैं यहाँ plasma membrane present होते हैं तो ये क्या करते हैं ये जब mature हो जाते हैं then they lose their protoplasm and form this secondary wall. सेकेंडरी वॉल को बनाते हैं ठीक है फ्लोएम फाइबर बनाता है और हाँ वन मोर थिंग जो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब जो होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय द प्लाज्मोडेस्माटा नेक्स्ट फ्लोएम पैरेन्काइमा एज द नेम सो पैरेन्काइमा क्या करेंगे स्टोर करेंगे फूड को सो पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल्स आर लिविंग थिन वॉल स्टोर्स मटेरियल लाइक स्टार्च रेजिन लेटेक्स म्यूसिलेज जो भी फूड बनाया है प्लांट्स ने उसको क्या करके रखेंगे स्टोर करके रखेंगे जो हम फल खाते हैं ना तो उसका जो पल्पी एरिया है मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो का जो पल्पी एरिया होता है दैट इज मेड अप ऑफ द पैरेन्काइमा तो ये क्या कर रहे हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा जो भी फूड बनाया है लीव्स ने उसको स्टोर करके रख रहे हैं रेजिन स्टोर करके रख रहे हैं लेटेक्स म्यूसिलेज इन सबको स्टोर करके रखते हैं एंड दे प्रोवाइड टू द प्लांट व्हेनेवर इट इज नीडेड इट इज एब्सेंट इन मोनोकॉट अब मैंने क्या बताया कि जिम्नोस्पर्म में तीन चीज प्रेजेंट नहीं है जाइलम वेसल प्रेजेंट नहीं है हाँ फ्लोएम का सीव ट्यूब प्रेजेंट नहीं है और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट नहीं है तीन चीज जो है प्रेजेंट नहीं है एब्सेंट है एंड एंजियोस्पर्म में भी सब कुछ तो गॉड नहीं दे देगा ना तो एंजियोस्पर्म में भी जो मोनोकॉट है पहले आते हैं देन डाइकॉट डाइकॉट एडवांस्ड हो गए तो मोनोकॉट के पास क्या नहीं है फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है स्टोर करने वाली जो चीज है वो मोनोकॉटलेडन के पास नहीं होती है ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसफर सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसफर सेल लेट सी द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नो जाइलम वेसल इन जिम्नोस्पर्म कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब इज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म ठीक है तो जिम्नोस्पर्म के पास क्या क्या नहीं है तीन चीज नहीं है जाइलम वेसल कंपेनियन सेल एंड द सीव ट्यूब फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट अब जब जिम्नोस्पर्म के पास जाइलम वेसल नहीं है कंपेनियन सेल नहीं है सीव ट्यूब नहीं है देन हाउ विल दे कंडक्ट वाटर वो इतने लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं हाउ विल दे कंडक्ट इन प्लेस ऑफ सीव ट्यूब जिम्नोस्पर्म के पास सीव सेल्स होते हैं सीव ट्यूब के बदले सिर्फ सीव सेल्स होते हैं जिससे वो और वो इररेगुलर होते हैं जिससे पानी कैसे जाता है जिगजैग मोशन में जाता है इन प्लेस ऑफ कंपेनियन सेल्स जिम्नोस्पर्म है एल्बुमिनस सेल ओके सो आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू क्रिस्टल क्लियर टू यू एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी स्टिल नाउ देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर how the conduction of water and conduction of food takes place in the plant and till next video tata bye bye if you like this video please do like share and subscribe my channel thanks for watching bye bye